यदि आपका मोबाइल भूल गया हो या चोरी हो गया हो या किसी कारणवश आपको मोबाइल को बंद करवाना हो, उसको डेड करवाना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फ़ोन को कैसे उसको बंद करवा सकते हो और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बचा सकते हैं। यदि आप फ़ोन को बंद करवा देते हैं तो वह फ़ोन एक बेकार फ़ोन के जैसा हो जाएगा, लाइक एक खिलौना। उससे सिर्फ कोई बालक खेल नहीं सकता है, दूसरा उसमें कोई सा भी एप्लीकेशन वगैरह रन नहीं होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फ़ोन को बंद करवाने से पहले आपको ये तीन काम को ज़रूर से कर लेना है। आपके पास में IMEI नंबर होना चाहिए, जो कि इस कोड से निकलता है IMEI नंबर। यदि आपके पास मोबाइल है अभी नहीं भूला है तो आप निकाल कर इसको आप रख सकते हैं, और आपके जो आपका फ़ोन भूला हुआ है उसमें जो मोबाइल नंबर है उसका एक डुप्लीकेट मोबाइल नंबर आपको निकाल लेना है, क्योंकि उसी पर OTP आएगा। और उसके बाद में आपको एक और काम कराना है, आपको पहले पुलिस में कंप्लेन कराना है, क्योंकि उसमें कंप्लेन नंबर मांगा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र में टाइप करेंगे CEIR.gov.in, उसके बाद ओपन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप यहां पर आ सकते हैं। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR, नीचे आएंगे, ब्लॉक या स्टोलन या लॉस्ट माई फ़ोन, लॉस्ट फ़ोन पे क्लिक करेंगे, जो रेड कलर का पट्टी में दिया हुआ है, वाइट कलर से लिखा हुआ। नीचे एक साइड आएंगे और यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन को डालना है। आपको यहाँ से ध्यान से देखना है स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन को डालेंगे, फर्स्ट मोबाइल नंबर को डालेंगे, यदि उसमें ड्यूअल सिम है तो सेकेंड मोबाइल नंबर को डालेंगे। उसके बाद में आपको IMEI नंबर को डालना होगा, फर्स्ट वाला को फिर डालेंगे, फिर सेकेंड वाले को डालेंगे यदि उसमें ड्यूअल सिम है तो। फिर ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फ़ोन है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, कौन सा फ़ोन है ये उस ब्रांड को आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आपका मॉडल नंबर डालना होगा, और जो आपका इनवॉइस मिला होगा, जो आपका पेमेंट आप किए होंगे उसका रसीद मिला होगा, उसको यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आपका फ़ोन गुम हुआ है उस एरिया को डालेंगे। यहाँ पर उस डेट को फिल कर देंगे, स्टेट को फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, पुलिस स्टेशन में, जिस पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन किए हुए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। जो कंप्लेन किए हुए हैं उस पर एक नंबर होगा, उस कंप्लेन नंबर को आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर जो रसीद होगा उस रसीद को यहाँ पर चूज कर सभी रसीद को यहाँ पर अटैच कर देना है, यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल ऑनर पर्सनल डिटेल्स को डालेंगे, किसका मोबाइल है उनका नाम को डालेंगे, एड्रेस को डालेंगे। देन आपको अपलोड आइडेंटिटी को डालना होगा, अपलोड आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है आइडेंटिटी के लिए, आप पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब दे सकते हैं। और फिर उसका एक फ़ोटो डालेंगे यहाँ पर, चूज फाइल पे क्लिक करके। फिर उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको ईमेल आईडी को डालना होगा। ये सब आपको अच्छा तरीके से जब फिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर नीचे के साइड में फिल हो जाएगा। फिर आपको गेट OTP पे क्लिक करना होगा, ये सब आपको ध्यान से करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको OTP भरकर और यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ये सब फिल कर लेने के बाद और आप सबमिट यदि कर देते हैं तो आपका जितना भी डिटेल आप डाले हुए हैं उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा, और कुछ ही दिनों के अंदर में आपका फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, मिस डेड कर दिया जाएगा। उस फ़ोन से आप कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन को बंद करवा देते हैं तो लाइक वो खिलौना के जैसा हो जाएगा, उसमें कोई सा भी एप्लीकेशन या कोई सा मोबाइल ऑफ हो जाएगा, वह कभी खुलेगा ही नहीं। यदि आपका मोबाइल भूल गया या चोरी हो गया है तो इस तरह से आप उसको लॉक कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये सब समझ चुके होंगे कि कैसे लॉक किया जाता है। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस एक बात मैं आपको बता दी, यदि आपको अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।